डियर फ्रेंड, आजकल एक मार्केट में या वायरल हो रहा है, उसका नाम है अपना ई केंद्रो। इसका कमीशन हाईएस्ट है, सबसे बेस्ट है, अभी फास्ट है। तो इसके अंदर में क्या क्या सर्विसेज है ये आज हम देखने वाले हैं, और इसका कमीशन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो आ गए हैं अपने ई केंद्रो का वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम बेनिफिट, कमीशन, चार्ज। ये है कमीशन का चार्ट। तो इन्होंने दे रहा है मोबाइल रिचार्ज में 5%, डिश में 5%, कैश विड्रॉल पे 0.35, मैक्सिमम 15 रुपये। जो ये है, जो आप लोग आर एन एफ आई का VIP पैक खरीदते 500 कुछ रुपए से, उससे बढ़िया ये है कि यहाँ वहाँ पे आपको 12 रुपए तक कमीशन मिलता है, यहाँ पे जो आपको 15 रुपए तक कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट में आप 0.10%, इलेक्ट्रिसिटी, कैश बुकिंग, EMI में 5 रुपए, कैब, LTV, स्कूल फीस, माइक्रोडियम, डी एम डी में सबसे कम चार्ज है, देखिए 5.90 रुपीज़, जो लगभग बाकी जितना उस सारी एप्लीकेशन है सब में 10 रुपये काटता है। UPI टोकन। तो हम सबसे पहले लॉगिन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर का सर्विस को आपको दिखाते हैं। तो मेरा यहाँ पे ID बना हुआ है, अगर आपको ID चाहिए बनाना हो तो हमसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज या फिर रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद मेंबर टाइप, आप किस टाइप का चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एजेंट, अगर आपका दुकान है तो आप एजेंट कर दीजिएगा, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करना है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में कर दीजिएगा, जो आपका मजा है। उसके बाद ID पासवर्ड आपके फ़ोन में आ जाएगा, उसको KYC कर लीजिएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद उस इस तरह के प्रोसेस, उसके बाद आपको जो मैं कैश दे देता हूँ, उसके बाद फटाफट से लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया, या फिर जो है मैंने KYC किया नहीं है, तो अलग ही हम इसमें रिचार्ज करते हैं, और ID हमने भी इसका नया बनवाया है, तो हम इसका KYC कर लेंगे। लेकिन हमने इसका रिचार्ज बहुत सारा कर लिया है, देखिए यहाँ पे मेरे वॉलेट बैलेंस है 1687 रुपया, और इसके अंदर के सर्विसेज हमें एक बार देख लेते। तो ये डैशबोर्ड, ये सर्विस, तो सर्विस में आ जाते। उसके बाद ये लोग देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार सर्विस, हालांकि ये सब सर्विस अभी एक्टिवेट है नहीं, ये कुछ दिन पहले ये सब सर्विस 300-300 रुपये में था। उसके बाद वोटर कार्ड, उसके बाद सबसे बढ़िया अपडेट आया है NSDL पेमेंट बैंक, कनाडा बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक, इलाहाबाद बैंक, तो ये सब आप CSP ले सकते हैं यहाँ से, या आप अपनी हेटेक पे ले, कंपनी से बात करें उसके बाद ही ले। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे वीडियो देख लिया और रजिस्ट्रेशन करके आपने अपना 10,000 रुपये गवा दिए। यहाँ पे देखिए इसका जो चार्ज है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP का 10,000 प्लस 18% GST। अभी देखिए कनाडा बैंक का भी है, सबका सेम रेट है, 10,000 प्लस GST है। यहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेन कलर, एजुकेशनल, सारे डॉक्यूमेंट के तक वो सबमिट कर देना है। अगर आप सबमिट करेंगे तो आपका वो वॉलेट से 10,000 कट जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये रहेगा, पहले कस्टमर केयर से बात कर ले, मेरी कहने से आप ये सर्विस बिल्कुल बैंक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस देख ले आप लोग पागल ना हो जाए, लेकिन अभी अप्लाई कर दो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट RBI के पास जाएगा, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको मिल सकता है। हालांकि जो बाकी कंपनी है वो आपको नहीं दे रहा है, जो इससे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, आपका स्पाइस मनी हो गया, RNFI हो गया, पे वर्ल्ड हो गया, PennyBay हो गया, नोबो पे हो गया, जब ये सब कंपनी अकाउंट ओपनिंग का सर्विस नहीं दे पा रहा है तो ये कहाँ से दे रहा है। तो ये भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अभी लिखा है आप लोग एक बार कस्टमर केयर से बात करें तभी ले, अपनी हेडेक पे ले, मेरे कहने से बिल्कुल ले, ऐसे बैंक का CSP ना ले। उसके बाद ISCTC, FBS, चार्ज बैंक, UTI। तो मैंने जो यहाँ पे कमीशन मतलब रिचार्ज किया उसका आधा खासा कमीशन है, आप हमको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट पे, ऑल रिपोर्ट, उसके बाद रिचार्ज। तो इसका कमीशन जो है
बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए हम लगभग 50 से 60 रिचार्ज किया है नया आईडी बना के, तो इसका कमीशन है बिल्कुल बढ़िया। इसका ट्रांजैक्शन कभी फेल होता नहीं है, ना भी कभी ऐसा हुआ कि पेंडिंग में चला गया पैसा आया नहीं, कस्टमर का रिचार्ज हुआ नहीं, तो अभी ऐसा हुआ नहीं कभी। तो आप चाहे तो इसको लाभ उठा सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये देखिए मैंने जो रिचार्ज किया था उसका कमीशन 49 में 2.45 रुपये मिला है, और 149 पे 10 रुपये। उसके बाद लगभग लगभग 5% कमीशन मिलता है, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा। अगर आपको अपना ये केंद्र का आईडिया हमसे चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको आईडी फ्री आपको देंगे। इसका साबित बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट कमीशन है। तो इसका एक बुरे दिक भी है, इसका जो है मनी ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिक्कत होता है। इसका मनी ट्रांसफ़र का सर्वर जो है कभी कभी काम नहीं करता है, तो ये सुधार जो है जल्दी हो जाएगा। कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे से आईडी पासवर्ड चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप में मेल करें। इसका जो है आप फ़ायदा उठा के काम कर सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट कमीशन है 5% कमीशन। मेरी नॉलेज में लगता नहीं कोई थर्ड पार्टी कंपनी आपको 5% कमीशन देगा, 5% का कमीशन बहुत होता है। अगर आप 149 का रिचार्ज करेंगे तो 7 रुपीज़ समथिंग आपको कमीशन मिल जाएगा, और 249 का करेंगे तो 12 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड मेरा आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको आईडी चाहिए इसके अगेंस्ट और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा आप। और एक बार इसका जो सारी जो सर्विसेज है वो हम आपको बता देते हैं। फिलहाल ये जो आधार सर्विस ये सब आपको दिख रहा है ये सब अभी एक्टिवेट है नहीं। उसके बाद ये कनाडा वाला भी नहीं है, यहाँ पे जो है पैन कार्ड का ले सकते, येस बैंक रिचार्ज इंश्योरेंस BBPS गैस बुकिंग कैश डिपॉजिट इंश्योरेंस ये सब ले सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दे। आप उस घंटी में मोमबत्ती फेंक के मारेंगे या हाथ से मारेंगे हमको नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।